नमस्ते मेरे प्यारे सही बड़े भाइयों को, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्रांड न्यू वीडियो में। कई आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं अपने NS200 का पार्किंग बल्ब चेंज करने वाला हूँ। और जो बल्ब लगा रहा हूँ वो बेस्ट है NS200 के लिए, रिमोट कंट्रोल्ड पार्किंग बल्ब है जो मल्टी कलर्स जलते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने मंगाया ये फ्लिपकार्ट से, उसका प्राइस मैं आपको सीधे वीडियो के एंड में बताऊँगा। जैसे कि गाड़ी अपनी सामने खड़ी हुई है, बस थोड़ी सी गंदी हो गई क्योंकि जबलपुर में कंटिन्यू 3 दिन से बारिश पे बारिश हो ही जा रही है, हर जगह रोड में पानी भरा है। इसी कारण गाइस पूरी गाड़ी धुली थी मैंने कुछ दिन ही पहले, गाड़ी फिर गंदी हो गई है घर से, इसलिए मैं बाहर निकालते ही नहीं हूँ। चलिए अब कर लेते हैं पार्किंग बल्ब के ऊपर बात। और ये थे, ये रखा हुआ है मेरे जेब में बल्ब, गाइस ये है बल्ब, इसको मैंने अनरैप कर दिया है, जैसे ही डिलीवरी मिली थी मेरे को उसी जगह मैंने अनरैप कर दिया था। इसके अंदर एक पैकेट है और एक कार्डबोर्ड टाइप का है, ये है, इस पर दो बल्ब लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये दो बल्ब हैं और ये रिमोट लगा हुआ है इसके साथ, रिमोट भी दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के। ये रिमोट हैं और दो बल्ब हैं ये, रिमोट कंट्रोल ये सेंसर लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये सेंसर लगे हुए हैं ये, और ये मल्टी कलर पार्किंग बल्ब हैं। चलिए अब इनको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस NS में पार्किंग बल्ब चेंज करना गाइस बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाइट कलर का दिख रहा होगा ये आपको, ये फोकस कर भाई, दिख रहा होगा ये वाइट कलर का, को आप बहुत आसान तरीके से उंगली से ही बाहर निकाल सकते हैं, कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, से आराम से इसको, क्योंकि इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक LED बल्ब लगाया था मैंने वाइट कलर का, इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल के धर लेते हैं और इसकी जगह पे एक नए वाले पार्किंग बल्ब लगाते हैं, ये वाले लगाते हैं, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। ये LED में गाइस प्लस माइनस का रोल कॉल रहता है, तो ये लगता है उल्टा लग गया है, मैं इसको सीधे लगा के देखता हूँ सर जलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जलने लगा, ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि धूप गाइस बहुत तेज निकली है, इस कारण लाइट बल्ब की कुछ दिख नहीं रही है। अब चलते हैं उस तरफ, लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब इस तरफ वाला आप आसानी से लगा सकते हैं, साइड कर लीजिए, ये देखिए नीचे ये लगा हुआ है, ये इसको निकाल लेते हैं इसे पास से, बहुत सिंपली तरीके से आराम से निकल जाता है। वायर ये है, ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है निकालने में, लेकिन जब भी थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बाहर आ जाता है, क्योंकि गाइस मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, ऐसे कारण मैं से बन नहीं रहा निकालते हैं, तो एक से ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। ये देखिए ये बाहर आ चुका है, इसकी एक तरफ की वाइट LED ख़राब हो गई है और एक तरफ की जल रही है, इसलिए इसको रिप्लेस करते हैं इस वाले के साथ। ये है मल्टी कलर LED वाला बल्ब, गाइस फाइनली मैंने इसको वापस लगा दिया है बल्ब लगाने के बाद, आप देख सकते हैं कैसे ब्लिंक कर रहे हैं, एंड आपको मैं इसको रात में अंधेरे पे टेस्ट करके बताऊंगा और ऐसे कितने पैटर्न है वो भी मैं आपको घर पे चल के ही बताता हूँ उसको अंधेरे पे। गाइस जैसा कि मैं घर पे आ चुका हूँ और ये है इसका रिमोट, आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस आपको उसमें से जो भी कलर जलाना है उसकी आप बटन दबाइए, वो कलर जलने लगेगा, और उस कलर को आपको ब्लिंक करवाना है तो आपको दो बार दबाना पड़ेगा, वही कलर ब्लिंक करने लगेगा। और इसमें जो मोड्स हैं, इसमें जो मोड्स हैंगे, इसमें कि फ्लैश है, स्ट्रो,
स्टोव्ड है, जिसमें क्या होता है गाड़ी लाइट जो है धीरे धीरे बुझेगी और बंद होगी। एक एलईडी किसी और चीज़ को सपोर्ट करती है और एक एलईडी किसी चीज़ और को सपोर्ट करती है, इसमें शायद मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब भी देख सकते हैं आप कोई सा भी कलर मैं आपको जला रहा के दिखा रहा हूँ। वैसे मैं भी ब्लू चला रहा हूँ, तो ब्लू को ब्लू हो जाएगा तो दो बार क्लिक करूँगा, देख सकते हैं दोनों ब्लू लाइट कैसे ब्लिंक करने लगी हैं। गाइस आपको ये बल्ब लेना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और ये जो मेरे को पड़ी है 250 रुपीज़ की पड़ी है फ्लिपकार्ट पे, और बहुत अच्छी लाइट है, मैं तो बहुत अच्छी मानता हूँ भाई। 250 रुपये में आपको रिमोट कंट्रोल पार्किंग बल्ब मिल रहे हैं। चलिए गाइस मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।